नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा गुप्ता। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से लेकर 1990, यानी कि स्वतंत्रता के बाद जब भारत आजाद हुआ तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी, और 1990, क्योंकि 1990 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा चेंज आया था, उससे पहले की स्थिति को हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। और उसी में हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होती है। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सोशलिज्म यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है। समाजवादी या सोशलिस्ट इकोनॉमी, गवर्नमेंट टेक्स डिसीजन अकॉर्डिंग विद द नीड ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। सभी निर्णय सरकार द्वारा समाज की आवश्यकता के अनुसार ही लिए जाते हैं। डिजायर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर आर नॉट गिवन मच इम्पोर्टेंस, जो व्यक्तिक इच्छा है, व्यक्तिगत लोगों की जो इच्छाएं होती हैं उनको महत्व नहीं दिया जाता। सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए ही डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ड ऑन व्हाट पीपल नीड, जो उत्पादन का वितरण किया जाता है वो लोगों की क्रय शक्ति के आधार पर नहीं किया जाता कि लोगों की परचेजिंग पावर कितनी है, वो कितना खरीद सकते हैं, नहीं, ये वितरण किया जाता है लोगों की आवश्यकता के आधार पर कि किस व्यक्ति को कितनी आवश्यकता है, किस वर्ग को किस चीज की आवश्यकता है, उसी के आधार पर उसे वितरण किया जाता है। नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसमें निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था, मार्केट विल प्रोवाइड व्हाट एवर गुड एंड सर्विसेज इट कैन प्रोड्यूस वेल, बाजार में केवल उन्हीं चीजों का उत्पादन किया जाता है जिसको वो बहुत बेहतर तरीके से, सर्वोत्तम तरीके से उत्पादन कर सकते हैं, जिसमें कि प्रॉफिट ज्यादा होते हैं और लॉस कम होते हैं, कॉस्ट कम आती है, प्रॉफिट ज्यादा होते हैं। बाजार केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है, यहाँ पर बाजार से मतलब है इंडिविजुअल्स या निजी लोग उन्हीं व्यक्तियों का, उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। लेकिन जो सरकार द्वारा है, सरकार द्वारा उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिनका उत्पादन बाजार नहीं कर सकता, यानी कि गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एसेंशियल गुड एंड सर्विसेज विच द मार्केट फेल्स टू डू। जहां मार्केट फेल हो जाता है, जहां मार्केट को लगता है, निजी व्यक्तियों को लगता है कि वो इस चीज का उत्पादन नहीं कर सकते क्योंकि उसमें प्रॉफिट नहीं है, तो इस उन सभी क्षेत्रों के अंदर जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना है, सड़कें बनाना है और अपने लोगों के लिए और ज्यादा न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति अवेलेबल कराना है, है ना, जैसे ये अपने मेडिकल फैसिलिटीज गवर्नमेंट के द्वारा अवेलेबल कराई जाती है, गवर्नमेंट स्कूल्स अवेलेबल कराए जाते हैं, यहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, वो केवल अपने प्राइवेट लेवल पर ही इन चीजों को ओपन करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर है नेक्स्ट हमारे इसके बाद आता है योजना क्या है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी बहुत इम्पोर्टेंट है इसका पार्ट, कि हमारे जो 5 ईयर प्लान हमारे डेवलपमेंट के लिए बने थे तो वहां पर चलने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि व्हाट इज प्लान, योजना क्या है। अ प्लान स्पेल्स आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन शुड बी पुट टू यूज, योजना हमें ये बताती है कि देश में संसाधन जो भी हमारे पास हैं उनका बेहतर तरीके से और प्रयोग किस प्रकार से हमें करना चाहिए। इट शुड हैव सम जनरल गोल्स एज वेल एज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स विच आर टू बी अचीव्ड विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, इसके कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं जिन्हें कि हमें निश्चित समयावधि के अंदर, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के अंदर इन्हें पूरा करना पड़ता है। ओके, तो ये योजना है, योजना का मतलब एक तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो भी संसाधन है उसके लिए जो स्पेसिफाइड गोल्स हमारे पास होते हैं और एक लिमिटेड टाइम पीरियड हमारे पास होता है, उसी टाइम पीरियड के अंदर अपने जो स्पेसिफाइड गोल्स हैं उनको हमें पूरा करना पड़ता है, अपने जो उद्देश्य हैं, निर्दिष्ट उद्देश्य हैं, निश्चित उद्देश्य हैं उनको इस योजना के अंदर पूरा करना पड़ता है। इसके अंदर हमारे आते हैं 5 ईयर प्लान्स और 20 ईयर्स प्लान्स, दो तरह की योजना इसमें चलाई गई हैं। जो 20 ईयर प्लान है यानी 20 वर्षीय जो योजनाएं हैं इसको हम लॉन्ग टर्म प्लान भी कहते हैं, यानी दीर्घकालिक योजना भी कहा जाता है, और इसको एक और नाम है पर्सपेक्टिव प्लान यानी परिप्रेक्ष्यात्मक योजना भी इसको कहा जाता है। और
In 1950, the planning commission was set up with the prime minister. जो 1950 के अंदर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई और इसी योजना आयोग के तहत ही 5-year plans और 20-year plans को फॉलो अप किया गया और अब वर्तमान में इसे हमने नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया है 2014 से, जिस पर हम आगे के वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी स्टूडेंट्स इन नोट्स को अपने फेयर नोट बुक के अंदर आप इसको नोट डाउन करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।